अध्यक्ष महोदय, औचित्य के मुद्दे द्वारा एक महीना पहले ऑल इंडिया हज कमेटी ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की हज के संदर्भ में, और उसमें ऑल इंडिया हज कमेटी 1,70,000 हाजी का कोटा जो हिंदुस्तान का है वो हज करने के लिए हमारे मुसलमान भाई जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक नई पॉलिसी जो बनाई है, जो गोर गरीब लोग हैं जो एक लाख साठ हज़ार रुपये के अंदर हज के अंदर जाते हैं और वो बार बार फॉर्म भरते हैं, तो पिछली जो हज की पॉलिसी थी उसमें ऐसा था कि अगर चार वक्त में चार टाइम फॉर्म भरे और अगर उनका नंबर नहीं आया तो उनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर उनको जाने की संधि मिला करती थी और वो लोग 1,60,000 के अंदर हज कर लिया करते थे। लेकिन ये केंद्र सरकार की जो हज पॉलिसी आई है उसके अंदर से वो कैटेगरी को डिलीट कर दिया गया है और महाराष्ट्र राज्य के कम 10,000 लोग इससे वंचित रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से और राज्य सरकार से विनंती करता हूँ कि केंद्र सरकार को अर्जेंट के अंदर इसके अंदर बोला जाए कि ये जो हज पॉलिसी जो बनाई है उसको वापस ली जाए ताकि महाराष्ट्र के 10,000 हजियों को उसका फायदा मिले। और साथ ही साथ राज्य महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के अंदर आज कोई चेयरमैन कोई सदस्य नहीं है, उसको भी बहाल किया जाए और उसको भी नॉमिनेट किया जाए जल्द ताकि यहाँ के लोगों की समस्या हल हो सके। आपके माध्यम से मैं विनती